दो हार्डकोर नक्सली गिरफ्तार, विस्फोटक छिपा कर रखने का था मामला दर्ज। गया पुलिस एसएसबी 29 और सीआरपीएफ के संयुक्त कार्रवाई में हुआ गिरफ्तार। कोच थाने में प्राथमिकी संख्या 318 दर्ज है। मेसर्स प्रिंस इलेक्ट्रिकल्स, एएन रोड, किरानी घाट, पेट्रोल पंप, गया। महर्षि मोदन सेन जी महाराज जयंती समारोह के अवसर पर कहानी कुब्ज वैश्य हलवाई समाज के तत्वाधान में शनिवार को मोदन सेन महाराज की शोभा यात्रा निकली। श्रद्धालुओं ने रथ पर सवार महाराज की पूजन आरती की। आयोजन समिति अध्यक्ष विश्व चंद्र गुप्ता, उपाध्यक्ष रवि गुप्ता व अन्य लोग शामिल हुए। SHK फिल्म्स एडिटिंग लैब, नियर मिर्जा गालिब कॉलेज, गया। गया पुलिस भी कभी कभी अजीबोगरीब कार्रवाई से सुर्खियों में रही है, जिससे पुलिस की कार्यशैली पर कई सवाल खड़े होते हैं। घटना गया जिले के गुरुआ थाना क्षेत्र का है। 9 नवंबर 2018 को मूर्ति विसर्जन के दौरान रास्ता का विवाद को लेकर दोनों पक्षों में झड़प हुई। जिला प्रशासन ने बीच बचाव करते हुए मूर्ति विसर्जन कराया। इस मामले पर जिला प्रशासन की ओर से गुरुआ के प्रखंड विकास पदाधिकारी ने इस विवाद में 68 अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों पर नामजद अभियुक्त बनाया। घटना के बाद जाहिर सी बात है कि नामजद अभियुक्तों को भी पुलिस गिरफ्तार भी करेगी। इसी मामले में 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 68 नामजद अभियुक्तों में से 2 अभियुक्त जिसका नाम है, वह घटना के 3-4 साल पहले ही उसकी मौत हो चुकी है। उल्टा पुलिस लाठी डंडे से पीट कर घायल कर दिया था। इस मामले को लेकर जनता दल हिंदुस्तानी के बैनर के द्वारा जिला प्रशासन के विरोध में धरना दिया गया। जनता दल हिंदुस्तानी के प्रदेश अध्यक्ष शारी मली ने कहा कि गया जिलाधिकारी अल्पसंख्यकों के प्रति जानबूझकर फंसाया जा रहा है। जिलाधिकारी ने दुर्भावना से प्रेरित होकर इस तरह की कार्रवाई की है। गांव में दर्जनों लोग घायल हो गया जाते हैं, 68 लोगों पर नामजद अभियुक्त बनाया जाता है, लेकिन गाँव पहुँच कर वस्तु स्थिति देखने का समय नहीं, लेकिन सांस्कृतिक कार्यक्रम में जाने का समय है। इतना बड़ा मामला हो गया, अभी तक जिला पदाधिकारी महोदय को मौका नहीं मिला है। ये रंगारंग कार्यक्रम में जाने में के लिए उनके पास समय है, लेकिन हमारे माँ बहने और बुजुर्ग वहां घायल हो गए, उनको जाकर देखने का उनके पास समय नहीं है। ये बहुत दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये बात बढ़ी और बात बढ़ने का नतीजा ये हुआ कि बुरी तरह से प्रशासन ने एक तरफा कार्रवाई करने का काम किया। वो सारे गाइडलाइन को ताक पे रखकर उन लोगों ने एक पक्षीय मारपीट करने का काम किया, और उनके साथ साथ कुछ दबंग वहां के परिधि के लोग थे, उन्होंने भी मारपीट करने का काम किया। महिलाएं घायल हो गई, बच्चे घायल हो गए, बुजुर्ग घायल हो गए। प्रखंड विकास पदाधिकारी, जो कि पुलिस पदाधिकारी नहीं है, प्रखंड विकास पदाधिकारी जो कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ पदाधिकारी है, उनके द्वारा 68 लोगों के ऊपर मुकदमा दायर कर दिया गया। और हास्पद बात यह है कि वैसे लोगों के ऊपर मुकदमा दायर किया गया जो अब इस दुनिया में भी नहीं है। 2 लोग ऐसे हैं कि तो मृत्यु प्रमाण पत्र है जो आप लोगों के को हम लोगों ने उपलब्ध कराया है, एक और भी है, वो भी इस दुनिया में नहीं है। और सारे बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग के सब लोग महिलाओं के नाम से बाय नेम उन्होंने, मैं तो कहता हूं कि उसमें से 5 लोगों को प्रखंड विकास पदाधिकारी पहचानते नहीं होंगे, लेकिन 68 लोगों का उन्होंने बाय नेम एफआईआर करने का काम किया है। इस तरह से हम लोगों ने आज धरना देने का काम किया है, और हम लोगों की मांग है कि जो दोषी पदाधिकारी हैं, जिसमें कि वहां पे इंचार्ज थे, छेघाटी था इंस्पेक्टर अरुण कुमार सिंह जी, वो वहां का दायित्व उनके ऊपर था, है ना, सारे लोगों का आरोप उनके ऊपर है, इसके बाद थाना प्रभारी गुरुआ, उनके ऊपर आरोप है, इन दोनों को तत्काल निलंबित किया जाए। सबसे पहला मांग हम लोगों का ये है। दूसरी है कि सीनियर एसपी महोदय स्वयं उसमें जांच करें, और जांच करके 68 लोगों के ऊपर जो झूठा मुकदमा हुआ है उसको वो समाप्त करें। कुछ बात ही चीत हो रहा था कि एक प्रशासन आके हम लोग पर लाठी चार्ज कर दिया, और बूढ़े जवान बच्चों पर सबको
लाठी से मार मार को बर्बाद कर दिया। घर में औरतों लोग के घुस घुस के भी मारा, बच्चों भी घायल है, कोई के सिर फटा, कोई के चेहरे पे चोट है। मेरा है कि देखिए सर, यहाँ मेरा पंजरा टूटा हुआ है। हमारे यहाँ जो भी घटना घटी है उसमें मृतकों की भी नाम दे दिया गया है, जिसमें मृतक में है मोहम्मद शकील साहब, पिता अलाउद्दीन मियाँ स्वर्गीय, फरीदा खातून, ये अली इमाम अली मोहम्मद मियाँ, जो उनका भी नाम दे दिया गया है। 68 लोग ऐसे का नाम दिया है जो अधिकतर दिल्ली, बॉम्बे, कोलकाता में रह रहे हैं। पुलिस हम लोग को तंग कर रही है पकड़ने का, अरेस्टिंग का, कि आप लोग को अरेस्ट करके भेज देंगे, उनको हाजिर कीजिए। तो जो आदमी है नहीं, जो मर चुके हैं, उनको हम लोग कहाँ से ला लेंगे। रहती है उसके आधार पर दर्ज होता है, उसका पूरा सत्यापन किया जाता है किसी भी आगे कार्रवाई के पहले। तो हम लोग जितने भी उसका नाम आया उनको सत्यापन करेंगे, अगर कोई ऐसी बात होगी तो उसका सुधार किया जाएगा। नहीं, पुलिस आ रही है, कहाँ से लाए मिल जुलती ऐसा सवाल नहीं। जब अगर कोई नाम है तो उसका सत्यापन किया जाएगा, और उसमें ऐसी है तो उसमें उसी हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी। ये तो वेरिफिकेशन का चाहिए, सत्यापन करवा लेंगे। मिलन ऑर्केस्ट्रा, बागेश्वरी पावरगंज, बैरागी, नियर पीएनबी बैंक, गया। विश्व के सभी बौद्ध धर्मावलंबी देश के लोगों का बोधगया आना एक स्वप्न है। भविष्य में यहां पर्यटकों की संख्या में वृद्धि ही होगी। बोधगया एवं इसके आसपास के सभी स्थानों को खूबियों को उनकी भाषा में बताना एक बड़ी समस्या है। इसकी बात को ध्यान में रखते हुए बोधगया में IITTM खोला गया, ताकि यहां लोकल लड़के विश्व के विभिन्न भाषाओं को सीख सकें। उक्त बात पे पर्यटक सचिव रश्मि वर्मा ने बोधगया स्थित IITTM के शिविर कार्यालय के उद्घाटन के मौके पर कही। उन्होंने कहा कि अभी चाइनीज भाषा की पढ़ाई शुरू कर दी गई है। 1.5 महीने के कोर्स में लगभग 40 छात्रों ने नामांकन ले लिया है। इससे पहले मगध विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार के सामने IHM की बिल्डिंग में शिविर कार्यालय के उद्घाटन से पहले वृक्षारोपण भी किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर किया गया। डॉग गॉड्स एंड पेट सेंटर, हमारा पता सीताकुंड बाईपास के दक्षिण हलगू नदी के किनारे। गुरुआ थाना अध्यक्ष विकास कुमार ने बताया कि थाना क्षेत्र के पलहूरा के लोगों ने अपने ही गांव के आहर में मछली पालन किया, जिसमें बगल के ग्राम बंधुआ चक खतवरिया आमस थाना के ग्रामीण ने जबरदस्ती आहर में उत्पन्न मछली को मारने के लिए गए। इसके कारण पलहूरा के ग्रामीणों में आक्रोश बढ़ गया, जो दोनों दलों में विवाद उत्पन्न हो गया। तत्काल मामले को गुरुआ थाना के द्वारा शांत कराया गया। रियान वारिस, सन ऑफ राजन भारती, कव्वाल किंग ऑफ गजल, रियान वारिस, बिथो शरीफ दरगाह, गया, बिहार। गया जिला के बाराचट्टी प्रखंड अंतर्गत आने वाली मुख्यालय के मनरेगा भवन में चल रहे स्वच्छ भारत अभियान को लेकर शौचालय निर्माण कार्य को तेजी लाने एवं दिसंबर तक सभी ग्राम पंचायत को ODF घोषणा करने को लेकर जिले के टीम प्रखंड विकास पदाधिकारी पंकज कुमार एवं सभी पदाधिकारी सभी आंगनवाड़ी सेवाओं व आवास सहायक के साथ बैठक का आयोजन किया गया। मेसर्स प्रिंस इलेक्ट्रिकल्स, AN रोड, किरानी घाट, पेट्रोल पंप, गया। इमामगंज प्रखंड क्षेत्र के रानीगंज बाजार एवं इमामगंज बाजार को अतिक्रमण से मुक्त करने को लेकर प्रशासन द्वारा जगह जगह पर पोस्टर चिपकाया है। पोस्टर के माध्यम से बताया गया कि 20 नवंबर को रानीगंज बाजार में रोड की मापी कराई जाएगी। इससे उपस्थित रहने का भी आग्रह किया गया है, ताकि मापी का कार्य सुचारू रूप से किया जा सके। मिलन ऑर्केस्ट्रा, बागेश्वरी पावरगंज, बैरागी, नियर PNB बैंक, गया। देवराम चंद्रवंशी भवन, न्यास दुर्गा स्थान, दीवाल बीघा, गया में पूर्व पार्षद राकेश कुमार चंद्रवंशी की अध्यक्षता में चंद्रवंशी भाइयों की एक बैठक आहूत की गई। बैठक में आगामी 19 नवंबर 2018 को मगध सम्राट जरासंघ जयंती समारोह मनाने एवं उनकी जीवन पर परिचर्चा कराने का निर्णय लिया गया। मेसर्स प्रिंस इलेक्ट्रिकल्स, डील्स इन ऑल टाइप ऑफ इंटीरियर। यदि आप अपने घर में इंटीरियर डेकोरेशन का काम करवा रहे हैं, तो फिर बगैर आकर्षक लाइटों के ये अधूरा होगा। अधिक जानकारी के लिए आज ही संपर्क करें मेसर्स प्रिंस इलेक्ट्रिकल्स, AN रोड, किरानी घाट, पेट्रोल पंप, गया। मोबाइल नंबर 9123
36522 और 9122474266। डिल्सेन, ऑल टाइप ऑफ इंटीरियर लाइटिंग, लाइटिंग एलईडी एंड वॉलपेपर, फिंस, वॉल लाइट, झूमर, स्ट्रीट लाइट, फ्लड लाइट, फॉल सीलिंग एंड मेनी मोर। मेसर्स प्रिंस इलेक्ट्रिकल्स, एएन रोड, किरानी घाट पेट्रोल पंप, गया। मोबाइल नंबर 9123136522 और 9122474266। मिलन ऑर्केस्ट्रा, बिहार का नंबर वन। मिलन ऑर्केस्ट्रा, किसी भी शुभ अवसर पर ऑर्केस्ट्रा, जागरण, इवेंट हेतु आज ही संपर्क करें। मिलन ऑर्केस्ट्रा, बागेश्वरी पावरगंज, बैरागी, नियर पीएनबी बैंक, गया। मिलन ऑर्केस्ट्रा से बारात के लिए बग्घी, इवेंट ऑर्केस्ट्रा हेतु लेडीज और जेंट सिंगर भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए आज ही संपर्क करें। मिलन ऑर्केस्ट्रा, बागेश्वरी पावरगंज, बैरागी, नियर पीएनबी बैंक, गया। मोबाइल नंबर 9931692911 और 9835071035। पेट सेंटर 25 एकड़ में बना फार्म हाउस, जहां आपको मिलेगा हर वैरायटी के डॉग, लेब्रा, जर्मन शेफर्ड, रॉटवीलर, पिटबुल इत्यादि। साथ में डॉग फूड एज ए सीरीज भी उपलब्ध। फार्म हाउस में मौजूद है कई वैरायटी के रंग बिरंगे आकर्षक बर्ड्स। साथ में बर्ड्स को घरों में सजाने के लिए पिंजरा भी मौजूद। हमारे यहां हर नस्ल का बकरा भी मौजूद। शादी, बर्थडे, किसी भी कार्यक्रम हेतु सस्ते कीमत पर वजन कराकर बकरा खरीदें। हमारा पता सीताकुंड बाईपास के दक्षिण हलगू नदी के किनारे। मोबाइल 8210079269। बनाने के लिए आपके साथ है SHK Films एडिटिंग लैब। शादी हो, बर्थडे हो या रिसेप्शन, हर लम्हों को कैद करके रखते हैं, वो भी परफेक्शन के साथ। हमारा काम ही हमारी पहचान है। SHK Films एडिटिंग लैब सालों साल से सिर्फ आपकी सेवा में। एक बार जरूर आए SHK Films एडिटिंग लैब। कोई डॉक्यूमेंट्री बनाना हो या अपना कोई एल्बम बनाना हो, आप सभी का स्वागत है। गाना तो आप बहुत अच्छा गा लेते हैं, लेकिन उसकी रिकॉर्डिंग कैसे? क्षेत्रीय कलाकार हमसे संपर्क करें। SHK Films एडिटिंग लैब, नियर मिर्जा गालिब कॉलेज, गया। मोबाइल नंबर 9934605114 एंड 9852091275। किसी भी शुभ अवसर पर कव्वाली या गजल के कार्यक्रम के लिए संपर्क करें बिथो शरीफ दरगाह के कव्वाल जनाब रियान वारिस, सूफी कव्वाल एंड गजल सिंगर रियान वारिस, सन ऑफ राजन भारती, कव्वाल किंग ऑफ गजल रियान वारिस, बिथो शरीफ दरगाह, गया, बिहार। मोबाइल नंबर 9934264891 और 7050029862। इंडिया में भरोसे की मिसाल है डबल चेक। कैसे? आओ दो कदम पीछे लेकर खुद ही देखें। किसी दिन दरवाजा डबल चेक तो किसी दिन न्यूज। कभी कभी तो कार भी हो जाती है डबल चेक। अब जिस देश में भरोसे का मतलब है डबल चेक, वहाँ वोटिंग के लिए ईवीएम का नया VVPAT, ताकि आप अपना वोट डालते ही डबल चेक कर सके। कुछ ऐसे ही हजारों और चेक्स मिलकर बनाते हैं ईवीएम को भारत की मिसाल। ईवीएम मशीन नहीं, भारत की मिसाल।